ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, आपकी बातचीत भी हो रही थी अभी, और इस पहली लिस्ट को के सामने आने के बाद किस तरह का रिएक्शन है? बिल्कुल, किस तरह का रिएक्शन है इसका जवाब हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता माने जाते हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा, उन्हीं से पूछते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी 78 नामों की जो लिस्ट है जिसमें कि 7 नाम पुराने कार्ड दिए गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे यहाँ कार्यकर्ता का व्यवहार कार्ड नहीं दिए, पार्टी ने पार्टी का काम करने वाले लोगों का भी ध्यान रखा है। जैसे मनीष यादव है, मनीष यादव युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत निष्ठा से वर्षों से काम कर रहे हैं, उनको अकोमोडेट किया है, महिलाओं को अकोमोडेट किया है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को अकोमोडेट किया है, संदीप सिंह, सरदार संदीप सिंह को पेवा से टिकट दिया है, योगेश्वर दत्त को बड़ौदा से टिकट दिया है, बबीता फोगाट को हमने दादरी से टिकट दिया है। हरियाणा क्योंकि खिलाड़ियों का प्रांत है, और जो इस तरह के खिलाड़ी थे, भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है बहुत संतुलित आई है, और इसमें युवाओं को, खिलाड़ियों को, सबको इसमें स्थान दिया गया। सर, लेकिन एक सवाल जो सबके मन में चल रहा है कि आखिर लिस्ट को लेकर जो इतना असमंजस की स्थिति बनी रही, पहले कल शाम को कहा गया, फिर रात को कहा गया, और आज भी आते आते तकरीबन 4:30 बजा दिए आप लोगों ने। अरे, पार्टियां होती हैं, बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसमें बहुत सी बातों का केंद्रीय नेतृत्व को सलाह मशवरा करना होता है, परंतु 78 पहली लिस्ट बीजेपी की जो आई है, इसमें समाज में खुशी की लहर है। आपके जिले में 4 सीटें हैं महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ 4 में से 3 लोगों को रिपीट कर दिया गया, एक को हटा दिया गया, वो तो पार्टी नेतृत्व। चलिए, एक सवाल, राम यादव हैं, बिल्कुल, वो महेंद्रगढ़ जिला भाजपा के महामंत्री हैं। एक सवाल ये कि विपुल गोयल और राव नरवीर, इनको कहां एकोमोडेट किया गया? विपुल गोयल और राव नरवीर, हमारे स्टूडियो से सवाल पूछा जा रहा है कि इनको कहां एकोमोडेट किया जाएगा? अरे, भारत सरकार बीजेपी की है, हरियाणा सरकार पहले से मजबूत सरकार हम मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनाए जा रहे हैं, केवल विधानसभा सदस्यों का ही नहीं है, जो वरिष्ठ लोग हैं उनको सरकार में एमएलए से भी बड़े बड़े स्थान होते हैं। कल मुख्यमंत्री जी नामांकन करने जा रहे हैं, उसके बाद, बिल्कुल, उसके बाद आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? 3 तारीख को हम नामांकन भरेंगे, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे। कौन कौन लोग शामिल होने जा रहे हैं थोड़ा सा बताइए? उसमें राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश जी पूनिया आ रहे हैं, उसमें राजस्थान में 4 बार मंत्री रहे, 7 बार विधायक हैं श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ आएंगे, उसमें मेरे पड़ोसी विधानसभा सूरजगढ़ के सुभाष जी पूनिया विधायक आएंगे, काका सुंदरलाल जो हरिजनों की एक बुलंद आवाज है, जो 8 बार राजस्थान विधानसभा में विधायक रहे, वो आएंगे, और भी बहुत से लोग अभी। चलिए, तो रामविलास शर्मा जी बता रहे हैं कि जिस तरह से पार्टी ने फैसला लिया है वो पार्टी नेतृत्व का फैसला है, और अब कुल मिलाकर जो है, अब नामांकन की तैयारी एक तरह से जोरों पर है, और नामांकन होगा कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, उसके बाद जो नामांकन होगा वो करेंगे प्रोफेसर रामविलास शर्मा परसों, जो कि बता रहे हैं कि उनके इस नामांकन में सभी समाज के सदस्यों का मेलजोल देखने को मिलेगा, हर समाज के लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, और कुल मिलाकर अगर स्थिति को देखा जाए तो कुल मिलाकर जो है, अब महेंद्रगढ़ जिले की भी तकरीबन 4 सीटें क्लियर हो चुकी हैं, तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जनता आखिर किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। 21 तारीख को मतदान होना है, 24 तारीख को मतगणना होनी है, तो 24 तारीख को आखिरकार अब जब 78 सीटें का नामांकन हो चुका है, 78 सीटों की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो उसके बाद ये पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, और जिस तरह से लिस्ट आई है, कई जिसका जिक्र आपने भी किया कि जिन विधायकों के टिकट नहीं मिल पाए, कुछ मंत्रियों के टिकट कट गए, लेकिन शायद पार्टी लाइन जो है वो पार्टी लाइन से हटके कोई भी जो मंत्री है या जो नेता है वो बयान देने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, क्योंकि पार्टी का जो एक फैसला है उस पर सबको अडिग रहना है।
ललित, जिस तरह से ये लिस्ट हम देख रहे हैं और जिसका सवाल भी आपने पूछा और कहा गया कि सात जो विधायक हैं उनका टिकट कटना ये पार्टी की एक पॉलिसी है और पार्टी उनको भी एडजस्ट करेगी, किस तरह से इस सवाल का जवाब क्या आपको मिल पाया? क्योंकि राव नरवीर और विपुल गोयल का भी टिकट कटा है और पार्टी सिर्फ एक लाइन ये कह रही है कि पार्टी की जो पॉलिसी है उसके तहत ये सब हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने ये सवाल को अभी रामबिलास शर्मा जी के सामने भी रखा था तो उनका उनका भी यही कहना था कि पार्टी नेतृत्व आला कमान जो तय करता है चीज़ों को, वही चीज़ें आगे बढ़कर सामने निकल कर आती हैं और पार्टी ने अगर उनके लिए ये फैसला किया है कि उन्हें टिकट ना दिया जाए तो उसके बावजूद भी कई सारी संभावनाएँ हैं। जैसा कि उन्होंने इशारों में कहा कि भारत की सरकार भी हमारी है, हरियाणा की सरकार भी हमारी है, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के टिकट कटे हैं उन लोगों को मनाने के लिए पार्टी ने ये भी सोच के रखा हुआ है कि आखिर किसको कहां पर एकोमोडेट करना है, किसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही है कि वो सभी को साथ लेकर चलेगी, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जबकि टिकट का अनाउंसमेंट हो चुका है और सात लोगों की जो टिकट कटी है उसमें महेंद्रगढ़ जिले की संतोष यादव भी शामिल हैं जो कि यहाँ से बहुत पुरानी पॉलिटिशियन हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुरानी नेता हैं, तो ऐसे में अब उनकी क्या भूमिका होती है, उनको पार्टी मना पाती है नहीं मना पाती है, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ जो है जितने पुराने लोग थे उन सभी की टिकट को रिपीट किया गया है लगभग, अब उसमें प्रोफेसर रामविलास शर्मा हो, अभय सिंह यादव हो या फिर ओम प्रकाश एडीओ हो, उन सभी को रिपीट किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर स्थिति को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बता रही है कि जिस तरह से पार्टी ने फैसला लिया है वो अपने आप में एक बेहद अलग तरह का फैसला है और पार्टी इस बात को समझ रही थी कि अगर इन लोगों को टिकट मिलता तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा नुकसान जो है पार्टी को उठाना पड़ सकता था। इसलिए पार्टी जो कि पहले भी कह रही थी कि वो जिताऊ उम्मीदवार पर अपना दांव लगाएगी, ऐसे उम्मीदवार पर दांव लगाएगी जो कि एक तरह से पार्टी के लिए सीटों को स्कोर कर सके। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज के दिन में जब ये 78 सीटों का नाम आया है तो उन 78 सीटों में अब देखना ये होगा कि किस तरह से जो है इन 78 में से कौन लोग ऐसे होंगे जो जीत कर अपनी जीत का जो तोहफा है वो पार्टी की झोली में डालेंगे और पार्टी जो कि अब की बार 75 पार का नारा लेकर चल रही है वो कितनी कामयाब होती है। बिल्कुल, और पार्टी के सामने शायद मुश्किल ये भी थी कि बहुत बड़ी पैमाने पर दूसरी पार्टियों से नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और फिर उनको भी एडजस्ट करना था, साथ ही ये सीटें तो 90 हैं और इन 90 सीटों में से उनको भी एडजस्ट करना और फिर जो उनके पुराने नेता हैं जो विधायक हैं उनका टिकट कटना, लिहाजा पार्टी ने जो जिसका जिक्र आपने भी किया सवाल में कि हम इंतज़ार करते रहे कल लिस्ट आएगी फिर समय बदलता गया, शायद यही वजह थी कि पार्टी एडजस्ट करने में लगी थी, जो जिनके टिकट कट रहे थे उनको समझाने में भी लगी थी कि आखिर आपका टिकट कट क्यों रहा है। देखिए, पार्टी ने जब इतने सात विधायकों का टिकट काटा है तो मुझे जहां तक लगता है जो पार्टी की एक तरह से पॉलिसी रही है, पार्टी ने अपने स्तर पर सभी को मनाने की पूरी कोशिश की होगी, पार्टी ने सभी को विश्वास में लिया होगा और क्योंकि पार्टी जानती है कि जब वो इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है तो ऐसे में किसी की नाराजगी भी उसे किसी भी सीट पर भारी पड़ सकती है, तो ऐसे में इस बात का ध्यान तो पार्टी ने रखा होगा। लेकिन अब ये जो ध्यान रखा गया है ये किस हद तक जो है आगे कामयाब होता है ये तो 24 तारीख को ही पता चलेगा जबकि चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आएंगे। लेकिन एक बात साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थितियां बनी हैं और सात लोगों के टिकट कटे हैं इसके बाद भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए। क्या हमें इस बार टिकट दिया गया है, दो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको भी टिकट दिया गया है, बहुत ही टिकट बहुत एक तरीके से कई हर दृष्टि से जिनको चुनाव लड़ाया जा रहा है पूरी की पूरी सूची ही बहुत अच्छी है। शीघ्र देखिए, तीन खिलाड़ी हैं जो योगेश्वर दत्त मशहूर खिलाड़ी और योगेश्वर दत्त का सरदार संदीप सिंह और उसके साथ साथ श्री सुश्री बबीता फोकट, सर महाराष्ट्र की कब तक लिस्ट आ जाएगी? जल्द शीघ्र आएगी सर। हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ बने हुए हैं। ललित, भारतीय जनता पार्टी की ये जो पहली लिस्ट आई है, अगली लिस्ट आने की कब तक संभावना नजर आ रही है? क्योंकि अब एक लिस्ट में
78 नाम उन्होंने शामिल कर दिया, बहुत कम नाम बचे हैं। क्या अभी भी कुछ सीटों को लेकर मंथन का दौर है या जल्द ही ये लिस्ट भी सामने आ जाएगी? देखिए, उम्मीद तो ये की जा रही है कि जो 12 नाम बचे हैं वो 12 नाम अब कल आ जाएंगे, कल शाम तक या कल दोपहर तक वो 12 नाम भी आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 12 नाम अटके हैं, ये कहीं ना कहीं ये वो सीटें हैं जिनको लेकर सबसे ज़्यादा द्वंद्व चल रहा था, पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा विवाद चल रहा था। और इतनी बातें साफ हैं इसमें कि जो अभी रेवाड़ी की सीट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ये जो पूरा इलाका है ये राव इंद्रजीत सिंह का गढ़ माना जाता है, तो इस राव इंद्रजीत सिंह के गढ़ में तकरीबन 4 सीटें तो फाइनल हो गई हैं, लेकिन बावजूद अभी जो रेवाड़ी है और दूसरी सीटें हैं उनमें जो भी फाइनल नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं पार्टी उन सीटों को लेकर अगर देखा जाए तो पशुपेश की स्थिति में है। और कल अब जो है मुख्यमंत्री जो है भव्य नामांकन की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री नामांकन के लिए जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उस नामांकन में मौजूद रहेंगे। किस तरह की कुछ गतिविधियां रहेंगी कल, क्योंकि अब समय भी कम है नामांकन का, उसके बाद मुख्यमंत्री का नामांकन और फिर आसपास के क्षेत्र के जो विधानसभाएं वहां से भी नामांकन की प्रक्रिया होगी? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिस तरह से नामांकन की जो प्रक्रिया होती है उसको भव्य बनाने की तैयारी है, क्योंकि पार्टी इस बार मनोहर लाल खट्टर के फेस पर ही चुनाव लड़ने जा रही है यहाँ पर। और ऐसा जब ऐसा हो रहा है और उसके बावजूद मनोहर लाल खट्टर ने अब की बार 75 पार का नारा दिया है, तो ऐसी परिस्थितियों के बीच ये देखना होगा कि जो कल 12 नाम निकलकर सामने आएंगे उन 12 नामों में किस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं, कितने नाम बचते हैं और कितने नाम कटते हैं। जी बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए, देवेंद्र कुतुबी हमारे साथ हुए हैं। देवेंद्र, आपके पास आऊं उससे पहले वीरेंद्र सोनी जी, ये 78 नामों किस तरह से देखिए इस बात सूची से स्पष्ट साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर को प्राथमिकता दी है, चाहे आप वहां राय की देख लिए, मोहनलाल बड़ोली को दिए गया है। तो हालांकि देखिए समर्पित कार्यकर्ता गोहाना से चमकाने वाला नाम आया है तीर सिंह राणा का, वो युवा मोर्चा में रहे हैं और कैडर आधारित संगठन से जुड़े हुए हैं, तो ये चौंकाने वाले नाम है। जिन 9 लोगों के टिकट कटे हैं विधायकों के, वो पहले से ही अपेक्षित माने जा रहे थे। और हालांकि देखिए विपुल गोयल और राव नरवीर का नाम कटना आश्चर्यजनक है, लेकिन वहां देखिए वहां के सांसदों को प्राथमिकता दी गई है। कृष्ण पाल गुर्जर जी जो चाहते थे, जो उनकी सुविधा के अनुसार उनकी संस्कृति पर टिकट दिए गए, राव इंद्रजीत की भावनाओं को भी ध्यान रखा गया है। करनाल में देख लीजिएगा संजय भाटिया जो सांसद हैं उनकी जो अनुशंसा थी उसको ध्यान में रखा गया है। पानीपत सीट अभी होल्ड में है, पानीपत शहरी सीट पर अभी घोषणा नहीं की गई है, इसी से पलवल की सीट पर अभी घोषणा नहीं की है, पलवल भी अभी होल्ड है। तो मतलब ये रेवाड़ी जैसे होल्ड है, मतलब जहां पर द्वंद्व बना हुआ है, लेकिन इस सीट से ये संकेत स्पष्ट जाता है भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर को प्राथमिकता दी है, दूसरे दल से आने वाले लोगों को भी शामिल किया है लेकिन अपने कैडर की अपेक्षा नहीं की है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का ध्यान रखा कि महिलाओं को इस बार कम सीटें दी गई हैं, लेकिन अपेक्षा की जानी चाहिए कि इसमें और अभी सुधार होगा। तो पिछली बार 15 महिलाओं को टिकटें दी गई थी, जातीय समीकरण के हिसाब से देखें जो 12 सीटें अभी रुकी हुई हैं, तो उनसे जो जातीय संतुलन रुका गया है उसको साधने का प्रयास किया जाएगा। वेदपाल एडवोकेट को जो शामिल किया गया है उनको जो टिकट दी गई है, हालांकि ये वो गरोड़ा से टिकट चाह रहे थे लेकिन उनको पुंडरी से एडजस्ट किया गया है, तो वहां दिनेश कोशी का टिकट काटा गया है। निर्दलीय संभालका से जो है रविंद्र मछरौली का टिकट नहीं दिया गया। तो ये बात है कि संगठन में अपने कैडर को प्राथमिकता दी गई है। और जो लोग पिछले चुनाव लड़ चुके थे, शशिकांत कोशी को वो जो हालांकि 2014 में भी चुनाव लड़े थे और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप वहां टिकट दिया गया, कार्यकर्ता शशिकांत कोशी को चाहते थे, रविंद्र मछरौली के पक्ष में नहीं थे, हालांकि एक आध ऊपर से भी वो रविंद्र मछरौली की पैरवी कर रहे थे, लेकिन संगठन ने शशिकांत कोशी पर मोहर लगाई है। तो इस सूची का सार यही है कि संगठन के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता को तरजीह दी गई है। बिल्कुल देवेंद्र, मैं आपके पास आऊं, और आप जिक्र भी कर रहे थे पानीपत की तमाम सीटों का और आसपास जो इलाके हैं उनके पर किस तरह से ये राजनीतिक असर पड़ेगा। अब आपको क्या लग रहा है, ये लिस्ट देवेंद्र सामने है, इसके बाद कितना मजबूत स्थिति में पार्टी के तमाम जो नाम हैं वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमें इंतजार कांग्रेस की लिस्ट का भी करना होगा कि आखिर इन सीटों पर अब कांग्रेस किस तरह के उम्मीदवार उतारती है। देखिए शाकिर, जीटी रोड बेल्ट जिसको हम कालका से समालखा तक का एरिया कहते हैं, कालका से समालखा, ये बीजेपी के लिए बहुत मजबूत बेल्ट रही है। और जब 2014 में सरकार बनी, खुद मुख्यमंत्री ने
प्रोफेसर रामलाल शर्मा ने चुनाव के तुरंत बाद प्रतिक्रिया दी थी कि जीटी रोड बेल्ट और हील वाल ने हमारी बीजेपी की सरकार पहली मर्तबा बनाई और इन दोनों का अहम योगदान है और इसका सिला भी हम देंगे। तो जीटी रोड बेल्ट की बात करें, इस सूची में 78 प्रत्याशियों की सूची में मेरे को लगता है तकरीबन जो विधायक थे या मंत्री थे उनको रिटेन किया गया है। सिर्फ रादौर जो यमुनानगर जिले में, रादौर में श्याम सिंह राणा को फिलहाल टिकट कहीं नहीं मिला, उनकी जगह करणदेव कांबोज आए हैं और करणदेव कांबोज की जगह इंद्री में रामकुमार कश्यप को लाया गया है। समालखा में जो निर्दलीय विधायक थे रविंद्र मछरोली, आज से 2-3 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, काफी समय से कोशिश कर रहे थे, उनको लगता था कि बीजेपी की हवा है, दोबारा से विधायक बनने का मौका है, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री ने ज्वाइन कराया, लेकिन निर्दलीय विधायक के बाद बीजेपी विधायक बने थे रविंद्र मछोली, उनका भी टिकट कटा है यहां पे शशिकांत कोशी को। और पानीपत ग्रामीण महिपाल डांडा और इस राणा कृष्ण पवार, इन दोनों का हम लगातार 3 दिन से दिखा रहे थे कि जो संभावित प्रत्याशी उनमें 2 है, तीसरे शशिकांत कोशी का भी हम जिक्र बराबर कर रहे थे कि वो अभी आगे बने हुए हैं। अब ले देकर पानीपत सिटी की लिस्ट बची है, जो पानीपत सिटी का प्रत्याशी है रोहिता रेवड़ी जो मौजूदा बीजेपी विधायक और जिला अध्यक्ष प्रमोद विज, इन दोनों में पूरी जोर आजमाइश है, इन दोनों के बीच फैसला होना है माना ये जा रहा था, लेकिन इस पानीपत सिटी को होल्ड पे रखा गया है। शाकिर, कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, जीटी रोड बेल्ट जो बीजेपी का मजबूत गढ़ है, यहां पर 95% या जो पहले बीजेपी के विधायक थे या मंत्री हैं कैबिनेट में, उनको रिटेन किया गया, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो बीजेपी ने उनके काम पर भरोसा जताया है, अगर कहीं कुछ कमी रही है, इस राणा है जैसे कुछ कमी रही है, तो फिर भी मतलब उनकी निष्ठा को देखते हुए, मुख्यमंत्री के प्रति उनकी जो भरोसेमंद छवि थी कि ये मुख्यमंत्री के काफी करीब हैं, मुख्यमंत्री से जुड़े हुए थे, उन लोगों को कम से कम रिटेन किया गया है। तो एक अच्छी सूची मैं समझता हूं जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी ने दी है, अब परिणामों का इंतजार करना होगा। शाकिर, बिल्कुल सुजीत जी हमारे इनपुट एडिटर वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, ये लिस्ट आई सामने, जिस तरह से वीरेंद्र सोनी जी कह रहे हैं कि एक कैडर पर जोर दिया गया है और सांसदों की भी सुनी गई है, इस लिस्ट में विपुल गोयल जैसे मंत्रालय संभाल रहे थे और उनका टिकट कट जाना, संदेश क्या था? क्या अब जहां जन आशीर्वाद यात्रा हमने देखी मुख्यमंत्री की, एक एक विधानसभा में जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई थी तमाम दावेदारों की, अब वो छटना जब शुरू होगी तो वो भीड़ जो अब छटेगी तो उसका क्या नुकसान पार्टी को नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट तो अब सामने आ चुकी है और अब 12 सीटों पर मंथन बाकी है? 12 सीटों पर अभी उम्मीदवारों की घोषणा होनी है, उसमें से 6 सीटें कांग्रेस मौजूदा सिटिंग की हैं, जिसमें से अगर आप बात करें वो 6 सीटें, तो सबसे एक तो आदमपुर की सीट है जहां कुलदीप बिश्नोई के सामने जो कांग्रेस के वहां पर MLA हैं और उनके सामने किसको उतारा जाए, पार्टी में मंथन उस पर चल रहा है आदमपुर पर। और दूसरी जो बड़ी सीट है एक पलवल की सीट है, पलवल में जो है वहाँ करण दलाल हैं कांग्रेस के MLA, कांग्रेस के मजबूत नेता हैं, उनके सामने बीजेपी किसको उतारे, और बीजेपी में भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार के नाम के चयन को लेकर भी जो है रस्साकसी चल रही है, इसलिए इस सीट पर किसको उतारी जाए। इसी तरीके से महम से आनंद सिंह दांगी है, महम भी कांग्रेस की सीट है और वहाँ पर भी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ से किसको प्रत्याशी बनाया जाए जो कांग्रेस प्रत्याशी को मात दे सके, और उम्मीदवार के चयन को लेकर भी कहीं ना कहीं बलराज कुंडू और शमशेर खरखड़ा के बीच में रस्साकसी चल रही है। अब पार्टी को तय करना है कि 2 में से किस पर भरोसा जताए, और इसी तरीके से कांग्रेस की एक और महत्वपूर्ण सीट है गन्नौर, गन्नौर से कुलदीप शर्मा MLA हैं, तो वहाँ पर भी पार्टी को देखना है कि कुलदीप शर्मा के खिलाफ किसको उतारे, और खरखौदा जयवीर सिंह वाल्मीकि की सीट है, वहाँ पर भी जो है अब पार्टी किसको उम्मीदवार बनाए। तो ये 6 सीटें हैं जो कांग्रेस जिस पर है, और एक फतेहाबाद की सीट थी बलवान सिंह दौलतपुरिया, वो INLD के खाते में थी पिछले बार, लेकिन इस बार बलवान सिंह दौलतपुरिया बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब देखना है कि उनको टिकट देती है या किसी अपने नए अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वहां से टिकट देती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 12 सीटें जो बची हुई हैं उन पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा विवाद गुरुग्राम की सीट को लेकर है। उमेश अग्रवाल बीजेपी के मौजूदा MLA हैं, उनका नाम नहीं घोषित हुआ, लिस्ट आने से पहले
आपने देखा होगा कि उन्होंने लगातार ट्वीट किए और ट्वीट में कहीं ना कहीं उन्होंने राव इंद्रजीत पे भरोसा जताया। उन्होंने कहा अगर राव इंद्रजीत की अनदेखी होती है साउथ हरियाणा में तो इससे जो है पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो एक सीट गुरुग्राम है, अब वहाँ पर संशय है कि उमेश अग्रवाल को टिकट मिलेगी या फिर किसी नए चेहरे पर पार्टी भरोसा जताएगी। और लगता है कि इस सीट पर कुछ ज़्यादा ही विवाद है, इसी वजह से गुरुग्राम की सीट की घोषणा नहीं हुई है। और इस दूसरी सीट इस अहिरवाल बेल्ट की कोसली की है, कोसली से विक्रम ठेकेदार हैं। आपने देखा होगा कि राव इंद्रजीत सिंह खुलकर विक्रम ठेकेदार के खिलाफ जो है मंच से बोला था और विक्रम ठेकेदार को बोलने भी नहीं दिया गया था। तो अब विक्रम ठेकेदार पर भरोसा जताते हैं या राव इंद्रजीत की फिर एक बार वहां पर कोसली में चलेगी। और रेवाड़ी में भी जो मौजूदा बीजेपी एमएलए हैं रणधीर सिंह कापड़ीवास, उनकी भी टिकट को लेकर संशय है क्योंकि रेवाड़ी और कोसली इन दो सीटों में से किसी एक सीट पर वो राव इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और रणधीर सिंह कापड़ीवास का नाम उस लिस्ट में भी आया था जब ये कहा जा रहा था कि सीएम के खिलाफ लामबंदी हो रही थी, उनका भी रणधीर सिंह कापड़ीवास का भी नाम था और गुरुग्राम से उमेश। तो अब देखना होगा उमेश अग्रवाल और रणधीर सिंह कापड़ीवास पर पार्टी भरोसा जताती या वहाँ नया चेहरा लाती है। और ये इन्हीं तीन सीटों को लेकर जो विवाद है इसी विवाद को देखते हुए लगता है कि उमेश अग्रवाल ने ट्वीट किया था। अब इन तीन सीटों पर क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। और पानीपत सिटी रोहिता रेवड़ी की मौजूद सिटिंग बीजेपी एमएलए सुजीत जी, वीरेंद्र सोनी जी के पास मैं जाऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, जिस तरह से गुरुग्राम की सीट को लेकर है और उमेश अग्रवाल का ट्वीट आता है, लिस्ट अगर जारी होने से पहले एक घंटा पहले अगर इस तरह के ट्विटर वार शुरू हो जाएं तो क्या माना जाए? राव इंद्रजीत को क्या आलाकमान की तरफ से ये स्पष्ट नहीं कहा गया था कि आपकी मानी जाएगी? क्योंकि लिस्ट में जो नाम है उन्हें देखने के बाद आकलन तो हमारा ये कह रहा है कि राव इंद्रजीत की मानी गई है। अगर मानी गई है तो लिस्ट आने से घंटा भर पहले इस तरह के उनके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति अगर इस तरह के ट्वीट करें तो संदेश क्या है? देखिए, राव इंद्रजीत का एक संदेश स्पष्ट जाता है कि संगठन ने उनकी सुनी है। और ये परिवारवाद के मामले में भारतीय जनता जो हुआ है पर कहते हैं तो उन्होंने अपने बिल्कुल वीरेंद्र सोनी जी के पास जाऊंगा, उससे पहले मैं महेश का रुख कर लूं। महेश, ये लिस्ट आई है 78 नामों के साथ, आपका आकलन क्या कुछ कहता है इस लिस्ट को लेकर? देखिए, साफ तौर से अब भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से चुनावी मोड को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और ये पार्टी को बखूबी पता था कि जो होना है वो होना है, उसमें बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं की जा सकती। एहतियातन तैयारियां जितनी की जा सकती थी तमाम वो कोशिशें की गई हैं। तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं हल्का स्तर पर उन्हें अल्टरनेट जिम्मेदारियां दी गई, नाराज लोगों को मनाने की ये कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से हम कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। तमाम ऐसे टिकटों के दावेदार एक तरीके से कहें कि होमवर्क दे दिया गया, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग नाराज लोगों को मनाए रखने की जो कोशिश है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और आत्ममंथन इस वक्त यहां पर जो टिकटों के दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो मंथन की मुद्रा में है और एक तरीके से कंपन की स्थिति का सामना कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वो अब तक पिछले 5 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे और लगातार ये संकेत अपने समर्थकों को दे रहे थे कि टिकट उन्हें मिल चुका है, नाम उनका फाइनल हो चुका है, लेकिन अब चूंकि खाली हाथ उन्हें दिल्ली से रवाना होना है तो ऐसे में अपने समर्थकों को वो जवाब क्या देंगे, ऐसे जवाब तलाशने की कोशिश यहां पर तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही है। और एक तरीके से आत्ममंथन भी ये कहें कि तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ये नेता करेंगे कि अगर पार्टी ने दरकिनार किया है तो किस तरीके से आगे की राजनीति वो करें, चुनावी मैदान में उतरने की क्या जरूरत है और अगर जरूरत है तो किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ने का काम करें, दूसरी पार्टियों में विकल्प क्या है और अगर दूसरी पार्टियों से टिकट की संभावनाएं समय की सीमा की वजह से अगर क्षीण हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं तो निर्दलीय के रूप में क्या नॉमिनेशन फाइल करना चाहिए, तमाम ऐसे सवालों के साथ जो है तमाम ये नेता जो अब तक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे अपने अपने इलाकों का, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का रुख कर चुके हैं और अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर आगे की स्थिति का समाधान तलाशने की
कोशिश करेंगे। बेहद कंपन की स्थिति ऐसे नेताओं के लिए जिन्हें टिकट हासिल नहीं हुआ। जी बिल्कुल, जिन्हें टिकट हासिल नहीं हुआ। वीरेंद्र सोनी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो सवाल मेरा वही उमेश अग्रवाल को लेकर, क्या उमेश अग्रवाल ने ट्वीट अपनी कैपेसिटी में किया? क्या ये माना जाए कि जो ट्वीट आया उससे पहले राव इंद्रजीत सिंह को नहीं पता था कि इस लिस्ट में क्या नाम आने वाले हैं? देखिए, उमेश अग्रवाल ने अपने बलबूते पर किया है। देखिए, राव इंद्रजीत को उनके समर्थन की आवश्यकता नहीं है। राव इंद्रजीत अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और उनकी अपनी पहचान है। और देखिए, 2014 में ही उमेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और सबसे ज्यादा मतों से हरियाणा में जीते थे। लेकिन जिस तरह से वो विवादित हो गए संगठन के अंदर भी और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अभियान चलाने में, हालांकि उन्होंने अपने आप को जनता से जोड़ने में काफी प्रयास किया और काफी मेहनत भी की है, लेकिन संगठन में उनकी छवि जैसे एक जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए वैसी छवि नहीं बना पाए। संगठन से ज्यादा उन्होंने अपने आप को मजबूत किया और वो कहीं ना कहीं विवादों में आते चले गए। संघ परिवार में भी उनकी उस तरह की पैठ नहीं बन पाई। संघ के कई अधिकारी भी उनसे नाखुश थे और उमेश अग्रवाल जिस तरह से उन्होंने यह ट्वीट किया, ये उन्होंने अपने आप को राव इंद्रजीत का समर्थन पाने के लिए अपने स्तर पर पहल की है। राव इंद्रजीत को उनके समर्थन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस बात से यह संकेत स्पष्ट हो रहा है कि उमेश अग्रवाल की टिकट तो कटनी तय ही है। अगर संगठन ने अगर उन पर विश्वास जताना होता तो उनकी सूची में नाम आ जाता। जिन लोगों के नाम सूची में नहीं आए उनकी स्थिति डावाडोल है, ये बात तो स्पष्ट दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात का भी जनता में प्रभाव देना चाहती है कि वो धन बल के आगे नहीं झुकती और ना ही विवादित चेहरों को पसंद करती है। उमेश अग्रवाल ने अपनी अग्रवाल बिरादरी के नाम पर भी और भी उन्होंने अपने माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया, लेकिन संगठन तो संगठन होता है और संगठन के बलबूते के ऊपर अगर वो कोई छलावा करते हैं या संगठन के साथ विश्वासघात करते हैं तो संगठन उसको सहन नहीं करता। मुख्यमंत्री के खिलाफ अभियान चलाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही थी और हालांकि उन्होंने वहां अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया, उनके मुद्दे उचित हो सकते हैं, उनकी पीड़ा भी उचित हो सकती है, लेकिन माध्यम गलत था जो संगठन के स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता था और पार्टी ने यह संदेश दिया है। हालांकि उन्हें पार्टी के केंद्रीय नेताओं के एक वर्ग का समर्थन भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा है जहां नीचे से लेकर ऊपर तक एक अनुशासन की सीमा होती है, मर्यादा होती है, उसी के अनुसार संगठन चलता है। लेकिन क्या यह माना जाए उमेश अग्रवाल अपनी कैपेसिटी में इतना सब कुछ कर सकते हैं? क्या उन्हें दक्षिणी हरियाणा में किसी बड़े नेता का समर्थन नहीं मिला? क्योंकि राव इंद्रजीत जन आशीर्वाद यात्रा जिन जगहों से होकर गुजरती है उसके बाद वहां पर रैलियां करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि दक्षिणी हरियाणा में राव इंद्रजीत से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री खुद क्यों ना हो। देखिए, राव इंद्रजीत का अपना एक व्यक्तित्व है, उनकी अपनी एक पहचान है और उनका अपना जुड़ाव है, उनकी अपने ढंग की राजनीति रही है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी उनकी नहीं बनी, वो अपने अपने बलबूते पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। राम उनके अपने जो रामपुरा हाउस है उसका अपना प्रभाव है। राव इंद्रजीत ने कभी भी छल कपट की राजनीति नहीं की है, ये उनके बारे में पूरे दक्षिणी हरियाणा में एक पैठ बनी हुई, एक छवि बनी हुई है। जब वो हरियाणा के वन मंत्री थे तब भी उनकी साफ सुथरी छवि थी और केंद्र में जाकर भी उन्होंने अपनी उस छवि को कायम रखा। साफ सुथरी राजनीति के वो ध्वजवाहक हैं और उनकी छवि वैसी ही मानी जाती है। हालांकि संगठन में उनकी पीड़ा हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी को आत्मसात करने में उनको समय लग सकता है, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसी राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जिसके भारतीय जनता पार्टी विरोधी हो। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है, महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन उन्होंने कभी भी मर्यादा के बाहर जाकर राजनीति नहीं की है। अगर उन्होंने अपनी बेटी को राजनीति में लाने की इच्छा व्यक्त की है, 2014 से ही वो सक्रिय थी, इंसाफ मंच का भी गठन किया था, लेकिन पार्टी ने उनकी बात को नहीं माना। हालांकि देखिए, मीडिया में कई तरह की बातें आती रही, लेकिन राव इंद्रजीत ने कभी भी अब मीडिया के सामने आकर पार्टी के खिलाफ कोई स्टैंड नहीं लिया। देखिए, मुख्यमंत्री से उनकी अगर लड़ाई रही है तो उनके एक सांसद के मान सम्मान की रही है, वो सरकार की कार्य पद्धति के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने संगठन के खिलाफ जाकर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे संगठन को नीचा देखना पड़े। महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। महेश, जो लिस्ट है उसमें 78 नाम है और कहा यह जा रहा है कि बहुत बैलेंस करके तमाम लिस्ट बनाई गई है। ऐसे में जिस वक्त हमने जन आशीर्वाद यात्रा देखी, और बार बार सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उस वक्त दावेदारों की एक लंबी लिस्ट थी और इतनी लंबी फहरिस्त थी कि एक एक विधानसभा में मुख्यमंत्री को कई बार स्वागत उनका हुआ होता था और लगातार हर नुक्कड़ हर चौराहे पर लोग इकट्ठा थे, तमाम दावेदार हुआ करते। लिस्ट आ गई है, अब वो तमाम दावेदार आखिर क्या भरोसा है पार्टी को कि साथ में जुड़े रहेंगे, या अब वो भी जगह देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको उनकी जो महत्वाकांक्षा थी चुनाव तक चुनाव लड़ने की वो पूरी हो सके?
देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और इस लिस्ट के जग जाहिर होने के बाद की अगर हालात की समीक्षा करने की कोशिश करें तो ये मानकर चलिए आज की रात भारतीय जनता पार्टी के लिए कयामत की रात हो सकती है। जितना नुकसान पार्टी को हो सकता है वो आज की रात में हो सकता है, उसके बाद शायद संभावनाएं कम है, क्योंकि आक्रामक फैसले जब भी लिए जाते हैं वो खून के उबाल के साथ लिए जाते हैं, जो सालों से इंतजार कर रहे थे। और अगर इन खिलाड़ियों के विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो सालों से, दशकों से जो लोग राजनीति में जन सेवा कर रहे थे, लोगों के संघर्ष की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे थे, ऐसे लोग सिर्फ इंतजार में थे। अब आज की रात कयामत की रात देखना होगा कि किस तरीके का निर्णय ये जो नेता हैं जो टिकट की दावेदारी में शामिल थे लिया जाता है इनकी तरफ से। और मानकर चलिए कि तमाम नेता अपने कार्यकर्ताओं से संवाद जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे और आज रात या कल सुबह तक जो समीक्षा है हालात की वो हो जाएगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने फायर ब्रिगेड के जरिए कह सकते हैं कि एक कवायद यहां पर की है, फायर ब्रिगेड सरीकी आग बुझाने की कोशिश तमाम ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में जो संबंधित जो लोग थे, जो प्रभावशाली लोग थे, उन्हें समझाने बुझाने के लिए एक तरीके की लॉबिंग की प्रक्रिया यहां पर पार्टी की तरफ से आज की रात में अपनाई जाएगी, जिससे जो तपिश है उसे कम से कम घटाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा गुस्से को, आक्रोश को फिलहाल अगले 24-48 घंटे के लिए वो रोके रखें, ये कोशिश की जाएगी। लेकिन जो उफान आना है वो यकीनन आएगा, बिल्कुल इंतजार अगले 24 घंटे का रहेगा। अगले 24 घंटे इस रात के बाद जो सुबह देखना होगा कि आखिर किस तरह का इस लिस्ट के आने के बाद रिएक्शन क्या कुछ आता है। वीरेंद्र सोनी जी, महेश और देवेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है और ब्रेक के बाद फिर लगातार हरियाणा चुनाव को लेकर खास चर्चा जारी।